गैर कानूनी होर्डिंग हटाने की कार्रवाई के दौरान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमले की टीम पर किए गए हमले के खिलाफ कॉरपोरेशन मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहरे में कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ महकमों में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। सियाफीत लगाकर इन लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज किया और कॉरपोरेशन मुलाजमीन पर हुए हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस दौरान इन मुलाजमीन ने म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सुनील लहाने, मेयर मोहिनी विजय एवनकर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन वीरेंद्र सिंह गाड़ीवाले को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। मुजाहिरीन का कहना है कि बिला इजाज़त बैनर या होर्डिंग लगाने पर मुंबई हाईकोर्ट ने पाबंदी आयद की है, जिसके तहत कार्रवाई करने के दौरान कॉरपोरेशन मुलाजिम रंजीत पाटिल और उनके साथ मौजूद दीगर अफराद पर हमला किया गया। इस मामले में भाग्यनगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसी तरह एक दूसरा मामला नाना नानी पार्क के सामने वाक़े अस्पताल में कोरोना जांच के दौरान मेडिकल टीम के अफराद पर भी जानलेवा हमले का पेश आया था। उस वक्त भी शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस इंतजामिया ने शिकायत नहीं ली थी, जिसकी वजह से कॉरपोरेशन मुलाजमीन में शदीद बरहमी पाई जाती है। इस सिलसिले में आज कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने यह एहतजाजी मुजाहरा किया गया। महानगर पालिकेच्या संदर्भामध्ये काल दोन दुर्दैवी घटना घडलेल्या आहेत। याच्यामध्ये काही नागरिकांनी रस्त्याच्या काठाला अनधिकृतपणे पोस्टर आणि बॅनर लावलेले होते। माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे अशा प्रकारच्या पोस्टर बॅनरवर तातडीने कारवाई करण्याच्या संदर्भामध्ये महापालिकेला डायरेक्शन्स आहेत। पोलीस विभागाला सुद्धा त्या संदर्भात सूचना दिलेल्या आहेत आणि याचा मासिक अहवालसुद्धा शासनाला आपल्याला सादर करावा लागतो। हे पोस्टर बॅनर काढत असताना एका व्यक्तीने महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली। त्या संदर्भामध्ये महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी पोलिसात गुन्हा नोंद केलेला आहे आणि त्या प्रसंगी FIR पण दाखल झालेला आहे। दुसरी एक घटना घडलेली होती आपल्या नाना नानी पार्कमध्ये असलेल्या कोविड टेस्टिंग सेंटरच्या संदर्भामध्ये। काही नागरिकांनी RT-PCR या टेस्टचा रिझल्ट लवकर का येत नाही या अनुषंगाने विचारणा करत महानगरपालिकेच्या लॅब टेक्निशियन्सची हुज्जत घातली आणि त्यांना मारहाण केली। त्याप्रसंगी महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी पोलिसामध्ये गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस स्टेशनला पत्र दिलं होतं, परंतु त्याप्रसंगी गुन्हा दाखल होऊ शकला नाही। आज महानगरपालिकेचे सर्व कर्मचारी या द्वारसभेला या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि माननीय जिल्हाधिकारी आणि माननीय पोलीस अधीक्षकांना या संदर्भात त्यांनी निवेदन पण दिलेलं आहे। माझंही त्यांच्याशी बोलणं झालेलं आहे आणि हा गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई लवकरात लवकर होईल अशी अपेक्षा आहे। या दोन घटनांच्या अनुषंगानं मी जनतेलासुद्धा आवाहन करू इच्छितो की मागच्या 9-10 महिन्यापासून महानगरपालिकेचे कर्मचारी अतिशय जीवाचं रान करून कोविडच्या संदर्भामध्ये जनतेला सुरक्षित ठेवण्यासंदर्भात पूर्ण कारवाई करत आहेत। कंटेनमेंट झोनची मॅनेजमेंट असेल, टेस्टिंग असेल, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग असेल आणि दैनंदिन साफसफाईपासून, पाणीपुरवठ्यापासून, ड्रेनेज सफाईपर्यंत कुठल्याही गोष्टीमध्ये महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी कधी खंड पडू दिलेला नाही। जेव्हा सर्व जनता लॉकडाऊनमध्ये घरात होती तेव्हा रस्त्यावर सर्व सुविधा पुरवण्यासाठी महानगरपालिकेचे कर्मचारी रात्रंदिवस रोडवर उपस्थित होते। अशा या प्रसंगी त्यांचं मनोबल वाढवण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करणं गरजेचं आहे, ना की अशा प्रकारच्या घटना घडून कुणीतरी त्यांना मारहाण करावं किंवा उद्धटपणे बोलणं हे बरोबर नाही। महानगरपालिका प्रशासन महानगरपालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे। आता या ठिकाणी आमचे सर्व पदाधिकारी पण उपस्थित आहे, ते सुद्धा महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहेत आणि आम्ही अशा प्रकारे कोणाचीही दादागिरी कुठल्याही प्रसंगी सहन करणार नाही। आम्ही त्यांना कायदेशीर मार्गाने व्यवस्थित उत्तर देऊ। नांदेड़ महानगरपालिका के जो अधिकारी कर्मचारी है अपना कर्तव्य अच्छी तरह बजा रहे हैं, लेकिन कल कल दो घटनाएं जो हुई है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। जो कि एक घटना थी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से जो इलीगल बैनर्स है सिटी में, वो इलीगल बैनर्स रिमूव करने का काम जो है जोन नंबर 2 की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन कोई राजकीय पक्ष का कोई कार्यकर्ता का बैनर था वो, और उस बैनर निकालने के बाद उसने हमारे कर्मचारी के साथ मारपीट की, जो कि एक बहुत निंदनीय है। लेकिन माननीय आयुक्त साहब, माननीय SP साहब, इन्होंने जो हमें सपोर्ट किया और हमने तभी उसके ऊपर 353 शासकीय कामात अड़थड़ा, इसमें हमने उस पर गुनाह दाखिल किया है। और उसके बाद दूसरी जो घटना हुई है वो नाना नानी पार्क पे, देश भर में जो कोरोना फैल रहा है, कोरोना महामारी फैली थी जो एक साल से, इसमें अपनी जान की बाजी दाव पे लगा के जो काम कर रहे थे लैब टेक्नीशियन,
जो स्वैब टेस्ट करते हैं उसी कर्मचारी को, लैब टेक्नीशियन को कल नाना नानी पार्क में मारहाण हुई, लेकिन उसकी तकरार देने को जब पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर हमारे कर्मचारी गए तो वहाँ वो हमारी तकरार लेने से इनकार किया गया और इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। और इस बात के लिए हमने अभी SP साहब और कलेक्टर साहब को भी बात की है, माननीय आयुक्त साहब ने बात की है, तो SP साहब ने हमें भरोसा जताया है कि आज उस आदमी को अटक करके उस पर FIR किया जाएगा।